सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 + ++ x = 287। तो हम जानते हैं कि जो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d होता है। तो यहाँ सम 287 दिया हुआ है, जो आपका a है वो 1 है और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो 4 - 1 यानी 3 है। तो यहाँ 2 × 1 = 2 होता है और n-1 जो d है उसकी जगह हम 3 डाल देंगे। 287 = n/2 2 + 3n-3 ऐसे लिख सकता हूँ। 287 × 2 कर दिया मैंने और 2 × 2n + 3n² - 3n, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 574 और 2n - 3n तो -n हो जाएगा और +3n², तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3n² - n - 574 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो d = होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे जो b है वो है -1, 4a है 3 और c है आपका -574। तो हमको उसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा -± + है और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6888 हो जाएगा, यानी 6889 हो जाएगा टोटल। तो n = होगा -b + √d/2a। तो यहाँ पे जो -b है वो -1 है, तो -1 + - अब ये d निकाला जो हमारे 6889 है और a जो है हमारा वो 3 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 83 का स्क्वायर होता है, 83 × 83 6889 होता है। तो इससे क्या होगा, 83 बाहर आ जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। तो 1 + 83/6 करूँगा तो 84/6 होगा, जिससे कि ये कटने के बाद हो जाएगा आपका 14 आंसर। वैसे ही इसमें माइनस भी है, 1 - 83 अगर करूँगा तो ये आपका हो जाएगा -82/6, यानी कि कटेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 2, 1 = 2, यानी -41/3। क्योंकि n नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम n = 14 लेंगे। एस एन नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अब हमें x निकालने बोला था, तो x क्या, x a n ही तो है, तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। तो जो a है वो तो 1 था और जो n अभी निकाला 14 - 1 और कॉमन डिफरेंस जो था वो 3 था, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 13 × 3 यानी कि 39 + 1 = 40 होगा। यहीं पे आपका आंसर कंप्लीट होता है।